स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स, कमोडिटीज़ मार्केट में कमोडिटी और फॉरेक्स मार्केट में कोई भी करेंसी, अगर आपको एनालिसिस करनी है कि इसका भाव ऊपर जाएगा या नीचे, तो उसके दो टेक्निक्स होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन। इंडिकेटर ट्रेडिंग हमेशा डिलेड एंट्री सिग्नल्स देती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एक्सपेंसिव विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एंट्री सिग्नल्स एकदम पंचुअल रहते हैं, इट्स टोटली ऑन टाइम, देर विल बी नो डिले एज लाइक इंडिकेटर्स। और एंट्री हमेशा एक अट्रैक्टिव फेयर लेवल पे मिलती है, ये एंट्री ना एक्सपेंसिव होगी और ना ही चीप होगी, पर चीप के बहुत नज़दीक होगी। ये निफ्टी का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम, इसमें इंडिकेटर ट्रेडिंग वाइज इसमें 10 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज दिए हुए हैं। तो कोरोना मूव के बाद जिस टाइम पे मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ, उस टाइम से अभी तक इन दोनों इंडिकेटर ने अभी तक बाइंग सिग्नल नहीं दिया हुआ है। आप देखोगे कि सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, स्टोकेस्टिक, MACD, एनीथिंग, आप कोई भी इंडिकेटर ले लो, आपको डिलेड सिग्नल ही मिलेंगे। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक हॉरिजॉन्टल लेवल है और एक ट्रेंड लाइन है, जिस टाइम पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है, उस टाइम पे वो जो लेवल होता है वो एक सिग्निफिकेंट लेवल बन जाता है, जहाँ पे सिर्फ डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। फिर जिस टाइम पे करंट कैंडल का हाई क्रॉस होगा, उस टाइम पे अपनी एंट्री कंफर्म हो जाती है और वो एकदम प्रॉपर एंट्री लेवल होती है। तो ट्रेडर्स, जैसे आपने देखा कि एंट्री के लिए जैसे प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एग्जिट के लिए भी प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर प्रॉपर एंड प्रिसाइज एंट्री एग्जिट्स, प्राइस एक्शन इज गॉड।